समय का दृश्य दर्शाया गया है जब प्रभु राम का जो है विवाह के समय का, ये आप ये देखिए, और दो कंप्लीट हो गया ऐसे, इतना अच्छा डिजाइन बनाई गई है, और ऐसे पूरे जो है राम लड़का का वध करते हुए ये देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है यज्ञ करते हुए ये दृश्य बनाया गया है। लेकिन श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अयोध्या ब्लॉग वीडियो में। अभी हम खड़े हैं धर्मपथ के प्रवेश मार्ग पर, और आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ धर्मपथ का, क्योंकि रामायण कालीन चित्र बनना शुरू हो गया है और अच्छी डिजाइनें स्तंभ लगाना शुरू हो गया है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। आज मैं आपको दिखाऊंगा अयोध्या का धर्मपथ मार्ग। अगर देखिए धर्मपथ के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो है, यहाँ से मेन एंट्री है, जो अयोध्या में आप जाएंगे तो लता मंगेशकर सीधे आप यहाँ से चले जाएंगे। तो ये देखिए धनुष और बाण बनाया जा रहा है यहाँ पर, काफ़ी जो है एंगल से देखिए आप कितना अच्छा जो है यहाँ का निर्माण किया जा रहा। और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ जो है पूरा ऐसा सूर्य स्तंभ बनाया जाएगा, और आगे जो है बनाया गया है। अभी मैं आगे चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कितना अच्छा जो है इस धर्मपथ का निर्माण किया जा रहा है। मैं बता दूँ, अयोध्या में सबसे अच्छा धर्मपथ मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ये आप देखिए 40 स्तंभ यानी 20 इस साइड और 20 इस साइड, 40 स्तंभ जो है यहाँ पर ये पिलर बनाए गए हैं और स्तंभ बनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊँगा कि हाथी घोड़ा जैसे बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे इस मार्ग पर। तो यहाँ पर वो तैयार किया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, यही सब जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और तैयार होने के बाद जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथी घोड़ा और बहुत सारे जो है यहाँ पर, ये आप देखिए यहाँ पर, और ये एंगल में जो है अभी सेट किया जा रहा है। ये आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है धर्मपथ का। और ये देखिए भाई, यहाँ पर ये घोड़े हैं जो कि यहाँ धर्मपथ पर जो है लगाया जाएगा। और आगे जो ये आग दीवार देख सकते हैं, तो ये दीवार में जो है पेंटिंग बनाई गई है काफ़ी खूबसूरत जो है। और मैं बता दूं कि प्रवेश द्वार से लेकर लता मंगेशकर चौक तक बनाया गया है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा जो है यहाँ का पेंटिंग बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रामायण कालीन चित्र पूरा बनाया गया है, जो ये राम लड़का का वध करते हुए ये देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है यज्ञ करते हुए पूरा जो है दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। और ऐसे लता मंगेशकर चौक तक प्रवेश द्वार से लेकर पूरा जो है बनाया गया। और ये बता दूं कि मैं ऐसे दोनों साइड ही बनाया गया है, ये जितने आपको दीवार दिख रहे हैं इस साइड भी ये पूरे दिख रहे हैं, और इस साइड यानी कि दोनों साइड जो है बनाया गया है। और आगे पेंटिंग भी की गई है, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा, यानी बहुत अच्छा। और ये देखिए भाई, यहाँ की फुटपाथ की बात करें तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर फुटपाथ बनाया गया है। जो ये ईंटें आपको दिख रही हैं, ये ईंटें नेपाल से लाई गई हैं, और नेपाल से लाने के बाद जो है इस अयोध्या में इस फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा। और यही वो पत्थर है जिससे इस फुटपाथ का जो है निर्माण किया जा रहा है। देखिए कितना छोटा पत्थर है, और ये आप देख सकते हैं। और ये दोनों साइड देखिए भाई, दीवार की बात करें तो बहुत ही अच्छी बनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं, बीच में जाने वाला मार्ग है उधर से आने वाला है, और इसके बाद में फुटपाथ है, और फुटपाथ के बगल में यहाँ पर रामायण कालीन चित्र बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य लगेगा। आप आएंगे तो देखेंगे, एकदम आकर्षित करने वाला। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा यहाँ का दृश्य, और ऐसे दोनों साइड जब लगेगा भाई ना, तो एकदम धर्मपथ एकदम रिलेटेड एकदम भक्तिमय हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है यहाँ का दृश्य दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये उस समय का दृश्य दर्शाया गया है जब प्रभु राम का जो है विवाह के समय का, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद ऐसे एक ही नहीं, ऐसे धर्मपथ पर हजारों जो है दृश्य बनाया जाएगा और दर्शाया जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि एक दीवार यहाँ यहाँ, ऐसे दोनों साइड आपको ये दीवार दिख रहा है, ऐसे दोनों साइड में जो है ऐसे जब दृश्य बनाकर और रंगा जाएगा, ये कंप्लीट होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये फुटपाथ की बात करें भाई, तो लोग पैदल जो है यहाँ से चलेंगे इस मार्ग से, और इस मार्ग से जो है लता मंगेशकर चौक राम की पैड़ी तक पैदल जाएंगे इस दृश्य को देखते हुए, तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगेगा। और यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ, और आगे आपको दिखाऊँगा कि और ही बनाया गया है, काफ़ी धर्मपथ का अच्छा निर्माण किया गया है। और धर्मपथ के
प्रवेश द्वार पे जैसा कि मनाया मैंने बताया कि 40 अस्तम यानी कि 20 वहाँ और 20 वहाँ यानी लता मंगेशकर चौक पर 20 और प्रवेश द्वार पर दोनों साइड जो है सूर्य स्तंभ बनाया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा जो है यहाँ का दृश्य जो है दर्शाया गया है, भगवान श्री राम का पूरा बचपन से लेकर और राम रावण का वध करते हुए उसके बाद में अयोध्या वापसी 14 साल का वनवास काटते हुए सारा दृश्य जो है अयोध्या में दर्शाया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए भाई कितना तेज़ी से जो है काम निर्माण किया जा रहा है यही ईंट से, यानी कि अब काम जो है अंतिम चरण पे चल रहा है। तो इसीलिए जो है बहुत जल्दी जो है इसका निर्माण करने के बाद जो है इसको कम्प्लीट कर दिया जाएगा। और ये देखिए भाई यहाँ पर जो है अभी ये दृश्य बनाया गया है, लेकिन मैं बता दूँ अभी पेंटिंग नहीं हुआ है, और पेंटिंग होने के बाद जैसे मैंने वहाँ दिखाया काफ़ी खूबसूरत लगेगा वैसे। और ये बगल में जो आप खाली देख रहे हैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाया जाएगा जो कि काफ़ी खूबसूरत होगा। और ये उस समय का दृश्य है जब देखिए माता कौशल्या जब दशरथ का स्वर्गवास हो गया था उस समय का। और देखिए भाई यहाँ पर जो दर्शाया गया जो आंसू है भाई ना किस तरीका से जो है यहाँ पर लग रहा है, यानी रोते हुए, चाहे आप नजदीक से देखेंगे चाहे पास से देखेंगे। और यहाँ देखिए ये मंत्रा इनके आँख से आंसू नहीं है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है ऐसे दृश्य रामायण कालीन का पूरा दर्शाया जाएगा। और यहाँ से मैं अब आगे चल रहा हूँ लता मंगेशकर चौक, और लता मंगेशकर चौक पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना अच्छा जो है दृश्य और बहुत ही अच्छा निर्माण किया गया है। जैसे कि मैंने वहाँ प्रवेश मार्ग से जो है आया यहाँ पर लता मंगेशकर चौक से थोड़ा पहले, वहाँ पर देखिए लता मंगेशकर चौक जो है और वहीं से जो है अयोध्या राम पथ है, वहीं से आगे राम की पैड़ी है। और ये देखिए भाई यहाँ पर फुटपाथ की बात करें तो कितना अच्छा डिजाइनें बनाई गई हैं, और ऐसे पूरे जो है धर्मपथ पर जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया वहाँ से ले करके यहाँ तक लता मंगेशकर चौक तक ऐसे डिजाइन बनाई जाएगी और ऐसे काफ़ी खूबसूरत जो है चित्र बनाए जाएंगे जैसा कि। और यहाँ पर देखिए भाई बनना शुरू हुआ है चित्र, यानी कि अभी संपूर्ण पूरा नहीं बना है लेकिन यहाँ पर बनना भी शुरू हो गया, यानी ऐसे पूरे धर्मपथ पर जो है बनना शुरू हो गया। ये कहाँ का दृश्य है अभी क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि अभी पूरा नहीं बना है, अभी बन रहा है। और जैसा कि मैंने वहाँ आपको दिखाया, और ये आप देख सकते हैं जो मैं सूर्य स्तंभ की बात कर रहा था, तो यहाँ पर 20 उस साइड और 20 इस साइड और 20 उस साइड वहाँ पर, यानी 40 सूर्य स्तंभ बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए भाई यहाँ पर भी डिजाइन बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ, और देखिए भाई दो वहाँ पर कंप्लीट हो गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और दो नहीं कंप्लीट हुआ है। और ये दीवार देखिए भाई तो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत दोनों तरफ जो है डिजाइनें बनाई जा रही हैं। और ये यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर ये अभी पूरा नहीं लगा लेकिन लगना शुरू हो गया है, ये देखिए ऐसे पहले पिलर था उसके बाद जो है ये लगाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर ये पार्ट जो लगाया जा रहा है मैं वो पार्ट भी आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा जो है यहीं पर रखा हुआ है इसका पार्ट, क्योंकि अभी काम चल रहा है। और देखिए ये इंगल बांधने के बाद जो है इसको प्रयोग करने के बाद जो है लगाया जाता है, और काफ़ी अच्छी डिजाइनें भी है इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो यही वो पार्ट है जो ये सूर्य स्तंभ में लगाया जाता है, इसको लगाने के बाद प्रयोग करने के बाद इसको संपूर्ण पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, वो उसके कुछ टुकड़े जो है यहीं पर रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लगे। मैं बता दूं लेकिन ये पत्थर नहीं है, देखने के बाद जो है इसे क्रीम कलर का है, उसके बाद देखिए ये ब्लैक है और उसके बाद ये रंगाई होता है लगने के बाद। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है अध्याय धर्मपथ पर, तो इसीलिए जो है अभी यहीं पर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यही लग रहा है, ये आप देखिए जैसा कि आधा यहाँ पर लगा है और आधा अभी नहीं लगा है, और वहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं वहाँ चलूँगा और आपको दिखाऊँगा। और फुटपाथ पर देखिए भाई जगह जगह पर थोड़े थोड़े दूर में जो है डिजाइनें बनाई गई हैं,
ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छी डिजाइनें बनाई गई हैं, और जय श्री राम लिखा है और गदा भी छपा है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का धर्मपथ का जो निर्माण हो रहा है काफ़ी भाई। सबसे अच्छा मैं बता दूं कि अयोध्या में धर्मपथ का ही निर्माण किया जा रहा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर सजाया जा रहा है धर्मपथ राम मंदिर उद्घाटन को लेकर, और हमेशा के लिए जो है यहाँ पर रहेगा, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं वहाँ पर चल रहा हूँ उस साइड, और उस साइड भी आपको दिखाऊंगा कि कितना बेहतरीन तरीके से जो है इसको सजाया गया है और ये बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये सूर्यस्तंभ जो है कंप्लीट हो गया है, और ये ठीक सामने लता मंगेशकर चौक है, जब जहाँ से मैं प्रवेश द्वार जहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट किया, वहाँ से आप आएँगे तो सीधे जो है यही रूट से चले जाएँगे अयोध्या, यहाँ लता मंगेशकर चौक। और ये मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि यहाँ पर जो है ये देखिए, जो यहाँ ऊपर लगाया जाता है जो सूरज भगवान जैसे बनाया जाता है, तो उसको भी टुकड़ा यहाँ पर ये रखा गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है काम चल रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यही सब जो है लगने के बाद ये पूरा जो है तैयार किया जाता है। और देखिए भाई, और ये जो ऊपर जो है वहाँ पर लगा है, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है, और ये सब जो है। और काम की बात करें भाई अयोध्या धर्मपथ की, तो बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर काम चल रहा है, और उसके बाद जो है डिजाइनें बनाई गई हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और ये देख सकते हैं भाई, वहाँ पर ये सारे जो है सामान यहाँ पर रखे गए हैं सूर्यस्तंभ में जो लगाए जाते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है धर्मपथ का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये अयोध्या का बहुत ही मेन जगह है। क्योंकि अयोध्या प्रवेश मार्ग जब NH 27 हाईवे से आप उतरेंगे, तो आप सीधे चले आएंगे जो है लता मंगेशकर चौक, यानी कि वहां से अयोध्या में एंट्री करेंगे तो आप सीधे चले आएंगे। तो इसीलिए जो है इसको बहुत ढंग तरीके से सजाया जाता है, बहुत ही अच्छा इसका निर्माण किया जाता है और किया गया है, ये आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद में भाई ये देखिए, कलर होने के बाद कैसा आप लोग को लग रहा है कमेंट बताइए। और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है देखिए, यहाँ पर जय श्री राम लिखा है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये देखिए। और दो कंप्लीट हो गया, ऐसे जब धर्मपथ पर 40 कंप्लीट होगा और रामायण कालीन चित्र बनेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये थी धर्मपथ की सारी अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।